सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब आई हो बच्चे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। और ये है, देख सकते हैं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का फ्लाईओवर जो यहां से ये ख़त्म हो जाता है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे प्रतापपुर में आके। और आपको बता दूं, मेरठ साउथ का स्टेशन बनाया जा रहा है, देख सकते हैं। और इस फ्लाईओवर को क्रॉस भी करवाया जाना, तो यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है मेरठ साउथ का RRTS का स्टेशन। दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये सारे पिलर कंप्लीट हो चुके हैं, इन पर पिलर कैप का काम भी हो चुका है। अभी बस एक पिलर बचा है, इस पर पिलर कैप का काम होना है, उस पर सेटिंग लगा दी जा चुकी है। और इधर देख सकते हैं, ये दोनों लेफ्ट राइट के जो पिलर्स हैं उनको कनेक्ट कर दिया जा चुका है, तो ये अभी कनेक्ट किए जाएंगे, अभी नहीं हो पाए हैं। देख सकते हैं आप लोग अपनी तस्वीरों में, अपनी आंखों से दोस्तों, तो देख सकते हैं ये है मेरठ साउथ का RRTS का स्टेशन जो बनाया जा रहा है। आपको बता दूँ, ये कॉन्क्रीट लेवर का तो काम कंप्लीट हो चुका है, अब इस पर सेकंड फ्लोर के लिए इस पर बीम डाल दिया गया है। देख सकते हैं ये तस्वीरें, जो ऊपर सेकंड फ्लोर के लिए काम किया जा रहा है, जिस पर RRTS दौड़ेगी। कॉन्क्रीट लेवर का काम बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है, इस पर फ्लोरिंग भी कर लिया गया, सारे काम कम्प्लीट हो चुके हैं वैसे तो, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ से हम निकलते हुए जा रहे हैं मोदी नगर के लिए। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मेरठ साउथ से लेकर और मेरठ मोदी नगर नॉर्थ तक के स्टेशन तक का ये वीडियो है। तो देख सकते हैं, ये जो बीच का आपको बता दूँ, ये बीम है, ये यार्ड से लाया जाता है और फिर इसमें दोनों पिलर के बीच में रखा जाता है, और फिर इनमें दोनों पिलर के साइडों में ये कंक्रीट भर दिया जाता है, तब ये पिलर बनकर कंप्लीट हो जाता है। तो अभी एक आपको बता दूं कि ये मेरठ साउथ के स्टेशन पे ये एक दूसरे से पिलर को कनेक्ट करने का काम चल रहा है अभी इस टाइम पे। RRTS का जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, उस पर मेरठ साउथ के स्टेशन पे देख सकते हैं, इधर पिलर कंप्लीट हो गए तो इन पर गाटर लॉन्चिंग की जा रही है। देख सकते हैं ये गाटर लॉन्चिंग हो जाएगी, फिर इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाएगा, और फ्लोरिंग हो जाने के बाद में फिर इस पर पटरियाँ बिछाना स्टार्ट कर देंगे। ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इन पिलरों की हाइट इसलिए ज़्यादा है कि एक तो इसमें स्टन पेरिफेरल स्टैंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा, उसको ये RRTS क्रॉस कर रही है, और दूसरे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को भी ये क्रॉस करेगी, तो इसीलिए इन पिलरों की हाइट ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी आप लोगों को इस जगह पे। जैसे जैसे हम मोदी नगर की साइड में बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे पिलर ये नीचे की साइड में ये कम इनकी हाइट होती चली जाएगी। तो देख सकते हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये जा रहा है निकल के, और ये हमारे दादरी से आ रहा है, उत्तर प्रदेश के दादरी से ये फ्रेट कॉरिडोर आ रहा है, और ये जाएगा पंजाब के लुधियाना में, और लुधियाना तो फिर जाएगा ये वेस्ट बंगाल के लिए। दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हो, मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं, आप लोगों ने नहीं देखी तो माई बटन में निकले दे दूँगा, आप लोग जाके देख लेना दोस्तों। तो अभी तो यही काम चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरों में कि सारे पिलर बिल्कुल बनके रेडी हो चुके हैं। अब आगे इसमें लॉन्चर स्टैंड किया जाएगा, और लॉन्चर स्टैंड हो जाने के बाद में फिर एक पिलर से दूसरे पिलर को ये कनेक्ट करेगा तेजी के साथ में। तो देखते हैं कहां पर ये, आपको बता दूं लॉन्चर स्टैंड किया जा रहा है, वो भी आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा, किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है वो देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हैं ये पिलर कैप का काम हो चुका है, अब इसमें नापतौली का काम चल रहा है, जो इसके पिलर कैप बनाए गए हैं पिलर्स के उन पे, देख सकते हैं तस्वीरें आप लोग, और किस तरीके से ये पिलर आपको बता दूँ लॉन्चर इन पर स्टैंड किया जाता है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, आगे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो देख सकते हैं एक लॉन्चर यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करता हुआ जा रहा है मेरठ साउथ के स्टेशन के लिए दोस्तों, यानी कि मेरठ की साइड में इसका मुंह है। देख सकते हैं यहाँ पर ये लॉन्चर लगा हुआ है, एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर रहा है। आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मंदा सा काम चल रहा है इधर, और आपको बता दूं दोहाई स्टेशन से लेकर साहिबाबाद स्टेशन तक के बीच में बहुत तेज़ी के साथ में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि वहाँ 17 किलोमीटर के पार्ट्स में पहली बार रैपिड रेड चलाई जानी है 2023 के मार्च में दोस्तों।
तो उसी का काम वहाँ तेज़ी के साथ में किया जा रहा है। इधर तो बहुत मंदा काम चल रहा है, ये आपको बता दूँ। जब दुहाई निकलने के बाद में ये क्या नाम है, मुरादनगर, मोदी नगर, मेरठ साउथ, मेरठ नॉर्थ, ये मेरठ में मतलब कि कम काम चल रहा है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस में आप लोगों के बीच में कंटिन्यू लाता रहता हूँ और आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ कि कहाँ कहाँ किस किस जगह NCR में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूं और बताने की भी साथ साथ में कोशिश करता हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें हमारे वीडियोस को देखने के लिए। और केपी संत आप लोगों के बीच में ऐसे ही वीडियोस लाता रहता और आप लोगों के बीच में लाता रहेगा। आप लोग जब तक केपी संत से जुड़ोगे नहीं तब तक केपी संत आप लोगों को छोड़ेगा नहीं, ये तो मैंने कसम खा रखी है कि आप लोग जुड़ते जाइए, मैं वर्क करता रहूँगा और आने वाले टाइम में आप लोगों को क्वालिटी के साथ में बेहतर वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे आने वाले टाइम में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो केपी संत को, तो ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहूँगा और दिखाता रहूँगा आप लोगों को। तो देख सकते हैं ये हम मोदी नगर के अंदर चल रहे हैं, मोदी नगर स्टार्ट हो चुका है। तो मोदी नगर का जो बायोडक्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, मोदी नगर नॉर्थ तक का ये बायोडक्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अभी ना तो इन पर खंभे लगे, आपको बता दूँ इस पर जो साइडों के ये पैरापिट वॉल बनाने का काम चल रहा है, कहीं कहीं इस पर पैरापिट वॉल बनाने का काम चल रहा है, कहीं कहीं बन चुके हैं। अब इन पे आपको बता दूं इलेक्ट्रिक छतरी के खंभे लगाए जाने हैं, उनके ऊपर ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जाना है, फिर ओवरहेड वायरिंग लगाई जानी है, फिर इस पे ट्रैक स्लैब डाले जाएंगे, उसके बाद में इस पे ट्रैक डाला जाएगा। दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, हम चलते हुए बढ़ रहे हैं आगे की साइड में और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा आगे के मोदी नगर नॉर्थ में स्टेशन के कितने कुछ वर्क हो चुका है उस पर, वो सब लोग आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो मोदी नगर नॉर्थ का स्टेशन आने वाला है, तो आप लोग धैर्य रखिए और देखो इस वीडियोस को। देखो ये बायोडक्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया गया, पहले ही कर लिया गया था ये तो। अब इस पर जो आपको बता दूँ जो मोदी नगर से मोदी नगर निकलने के बाद में जो नाला पड़ता है उस नाले पे आपको बता दूं कि इसमें स्टील के गाटर्स लगाए जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा लेफ्ट में आ जाती है लाइन, कि उसके साइड में बीच के डिवाइडर से लेफ्ट में आ जाती है, फिर उसके बाद में बीच के डिवाइडर पर आ जाती है, बीच में आ जाती है। तो इसीलिए स्टील के यहाँ पर गाटर लगाए जाने हैं, वो भी आप लोगों को आगे दिखाएंगे। आप बने रहिए वीडियो के साथ में और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियो को और हमें कमेंट करके बताओ कि केपी संत का वीडियोस कैसे लगते हैं आप लोगों को। तो आपको बता दूँ देख सकते हैं ये बीच में, आपको बता दूँ जो बीच का डिवाइडर है उस पर ये डिवाइडर बनाया जा रहा है, इस पर लगाया जा रहा है, कहीं कहीं लगा दिया गया है, कहीं कहीं ये लगाए जाने पत्थर आ चुके हैं। तो देख सकते हैं एक लॉन्चर यहाँ पर लगा हुआ है, ये जा रहा है मोदी नगर नॉर्थ के लिए, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। तो ये भी पिलर सारे कंप्लीट हो चुके हैं, बस आगे आने वाला है मोदी नगर नॉर्थ का स्टेशन RRTS का जो बनाया जा रहा है, उस पर कितना कुछ काम हो चुका है वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों देख सकते हैं इस पर अभी ये नापतौली का काम चल रहा है अभी इन पिलरों पे, बाकी तो इस पर पिलर कैप बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं बनके, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, बूंदाबांदी हो रही है, तो गाड़ी के वाइपर भी देखो चलते हुए नज़र आएंगे आप लोग। तो देख सकते हैं ये स्टील के गाटर्स रखे हुए हैं जहाँ पर ये नाला आ रहा है, ये नाले पे ही लगाए जाने हैं, तो वहाँ जगह नहीं थी तो इसलिए ये यहाँ पर स्टील के गाटर रखे गए हैं। तो वो आप लोगों को दिखाएंगे आगे कि कहाँ से स्टार्ट होगा। देख सकते हैं ये, आपको बता दूँ कि ये पिलर एंड हो गया,
अब देखिए ये जो तिकोने पिलर हैं, ये पिलर कैप हैं, इन पे ये स्टील के गार्टर लगाए जाने हैं, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में जा रही है लाइन, तो इस वजह से यहाँ पर ये नाला आ गया बीच में, और नाले की वजह से ये साइड में जा रहा है, इसी वजह से इन पे ये स्टील के गार्टर लगाए जाएंगे इस नाले पे गाइस। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में।